बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स की डिटेल्स देखी थी। आज के लेक्चर में हम वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये वेरिएबल की डेफिनेशन देखिए। वेरिएबल्स आर द नेम्स ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर डेटा। उसको एक मिसाल से समझते हैं। जिस तरह अगर आपके घर में कभी कोई दावत हुई हो तो आपकी मदर पहले से कई तरह की अलग अलग खाने, कई तरह की अलग अलग डिशेस तैयार करती और फिर उन खानों को अलग अलग रंगों के बाउल्स में डालकर फ्रिज में रख देती है। बिल्कुल इसी तरह वेरिएबल वो बाउल हैं जिसमें आप अपने प्रोग्राम में यूज किए जाने वाले डेटा को रखते हैं। जिस तरह फ्रिज एक्चुअल में स्टोरेज एरिया है, लेकिन वहां हम बाउल्स के जरिए खानों को स्टोर करते हैं, ऐसे ही मेन मेमोरी एक बड़ी सी स्टोरेज एरिया है जहाँ कई तरह के खाने बने हुए हैं और उन खानों में, उन मेमोरी लोकेशंस में हम वेरिएबल के जरिए डेटा को स्टोर करते हैं। दोस्तों, यहाँ डेटा क्या है? एक प्रोग्राम दो खास चीजों पर मुश्तमिल होता है। नंबर वन इज डेटा एंड नंबर टू इज इंस्ट्रक्शंस। और इंस्ट्रक्शंस वो कमांड है जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं। जैसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम कंप्यूटर को कमांड देंगे कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, तो ये कहलाएगी इंस्ट्रक्शन। लेकिन मल्टीप्लाई किसको करो? डेटा को करो। तो जब तक डेटा ही नहीं होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे किसको? इसीलिए एक प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ डेटा की भी जरूरत होती है। तो डियर फ्रेंड्स, अब आपने एक प्रोग्राम बना लिया जिसमें डेटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों मौजूद हैं, और अब आप उस प्रोग्राम को प्रोसेस करवाना चाहते हैं। उस प्रोग्राम को प्रोसेस करवाने के लिए, उसका रिजल्ट मालूम करने के लिए, उस प्रोग्राम में मौजूद इंस्ट्रक्शंस और डेटा को मेन मेमोरी में लोड करवाना जरूरी है। यानी ये जो डेटा है और ये इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इन दोनों को मेन मेमोरी में लोड करवाना जरूरी है, मेन मेमोरी में रखना जरूरी है। क्योंकि आप जानते हैं कि सीपीयू सिर्फ मेन मेमोरी में मौजूद डेटा को ही प्रोसेस कर सकता है। इसीलिए हमारे प्रोग्राम में जितना भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस हैं, उन्हें प्रोसेस करवाने से पहले हमें उन्हें मेन मेमोरी में रखना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि मेन मेमोरी में तो कई हजार लोकेशंस मौजूद हैं, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, और हर एक लोकेशन का कोई ना कोई एड्रेस होता है जो कि कई सारी बिट्स पर मुश्तमिल होता है। और अब जब आप अपने डेटा को मेमोरी में स्टोर करवाएंगे तो वो डेटा भी किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन पर जाकर स्टोर होगा। और आप अगर अपने डेटा को बार बार इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो डेटा जिस एड्रेस पर रखा हुआ है उसका एड्रेस आपको पता होना जरूरी है। जैसे मान लें ये मेमोरी है और यहाँ पर ये तमाम एड्रेसेस मौजूद हैं, और हमें इस एड्रेस पर जो डेटा पड़ा हुआ है वो चाहिए। तो अगर आप इस डेटा को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर को सबसे पहले बताना होगा कि इस एड्रेस पर से, यानी ये जो एड्रेस आपको नजर आ रहा है, इस पर से इस डेटा को उठाकर लाओ। यानी आपको अगर अपनी मेमोरी में से डेटा चाहिए तो मेमोरी में मौजूद हर एक लोकेशन का एड्रेस आपको पता होना जरूरी है। लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मेमोरी में तो हजारों लोकेशंस हैं और हर एक लोकेशन कई कई बिट्स पर मुश्तमिल है, तो इस तरह हर एक लोकेशन को याद रखना एक आम इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। इसीलिए सी लैंग्वेज के डेवलपर्स ने हमारी आसानी के लिए एक एलिमेंट हमें दे दिया वेरिएबल के नाम से, जिसके जरिए आपको हर एक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस याद रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब आप जो भी डेटा मेमोरी में स्टोर करवाना चाहते हैं तो उसे स्टोर करवाने के लिए आप उस लोकेशन के एड्रेस के बजाय खुद से उस लोकेशन को एक नाम दे देंगे, और वो नाम कहलाएगा वेरिएबल। और अब वो नाम ही उस डेटा की नुमाइंदगी करेगा। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि पहले हमने यहाँ पर इस लोकेशन पर हमें जो भी डेटा स्टोर करवाना था हमने उसका एड्रेस लिख दिया था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कई सारे मेमोरी के अंदर एड्रेसेस मौजूद हैं और हर एक एड्रेस को आपके लिए याद रखना मुश्किल है, तो इस एड्रेस के बजाय हमने यहाँ पर इसको एक नेम दे दिया, एक वेरिएबल नेम दे दिया। तो डियर फ्रेंड्स, अब आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि वेरिएबल्स होते क्या हैं और क्यों यूज किए जाते हैं। अब आइए देखते हैं कि आप अपने प्रोग्राम में वेरिएबल्स को किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले
उसे डिक्लेयर करना लाजमी है। और वेरिएबल डिक्लेयर करने से मुराद है कि यहाँ हम कंपाइलर को बताते हैं कि जो वेरिएबल हम यूज करने जा रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। तो दोस्तों एक वेरिएबल की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, साइज ऑफ द वेरिएबल और नेम ऑफ द वेरिएबल। और यहाँ नेम ऑफ द वेरिएबल से मुराद है कि जो भी वेरिएबल आप यूज करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि उस वेरिएबल को मेमोरी में कितनी स्पेस चाहिए, यानी जो डाटा आप स्टोर करने जा रहे हैं उसका साइज क्या होगा। और उसी के फौरन बाद आप डिफाइन करेंगे कोई भी नेम जो कि आप खुद से डिक्लेयर कर देंगे, जो कि आप अपनी पसंद से कोई भी नेम असाइन कर देंगे। तो इस तरह एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है। दोस्तों यहाँ एक और टर्म यूज की जाती है वेरिएबल डेफिनेशन की। और वेरिएबल डेफिनेशन में किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले उसे मेमोरी में स्पेस एलोकेट की जाती है। लेकिन सी लैंग्वेज में वेरिएबल डिक्लेरेशन और डेफिनेशन से मुराद एक ही चीज है। अब डियर फ्रेंड्स आइए इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें ये जो वार है ये वेरिएबल नेम है और इंट के मानी है इंटीजर के, जो कि एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप को हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी आप ये समझ लें कि डेटा टाइप के जरिए आप कंपाइलर को बताते हैं कि जो डेटा आप प्रोग्राम में यूज करने जा रहे हैं वो मेमोरी में कितनी स्पेस लेगा। तो यहाँ वेरिएबल डिक्लेरेशन में आप ना सिर्फ वेरिएबल नेम डिफाइन कर रहे हैं बल्कि साथ के साथ कंपाइलर से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि वो आपके वेरिएबल को मेमोरी भी एलोकेट करे। और आखिर में आप यूज करते हैं सेमीकोलन। दोस्तों ये सेमीकोलन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सी लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि एक प्रोग्राम में मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं, तो हर एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन्स को यूज किया जाता है। और डियर फ्रेंड्स अब जब आपको मेमोरी में लोकेशन मिल गई तो अब बारी आती है उस लोकेशन पर डेटा को स्टोर करने की। और इस प्रोसेस को कहा जाता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, जिसमें आप वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे यहाँ ये देखिए int var, तो ये आपने वेरिएबल के वेरिएबल को डिक्लेयर और डिफाइन किया है और var equals to 3, तो इस तरह से आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है। अब इन दोनों लाइंस को कंपाइलर कंपाइल किस तरह करेगा। तो डियर फ्रेंड्स कंपाइलर सबसे पहले int var देखेगा, यानी ये पहली लाइन देखेगा, और int से यहाँ मुराद है साइज। तो कंपाइलर मेमोरी में 2 bytes की स्पेस रिजर्व कर देगा इस वेरिएबल के लिए और उस स्पेस को नाम दे देगा वार का। तो यकीनन अब आपको समझ आ गया होगा कि ये इन से क्या मुराद है और ये वार क्या है। तो यहाँ पर ये इस स्पेस को नाम दे देगा वार का और फिर नेक्स्ट लाइन में ये देखेगा वार इक्वल टू 3। तो अब जो सबसे पहले स्पेस कंपाइलर ने रिजर्व की थी ये 2 bytes की, अब इस स्पेस में ये वैल्यू 3 को स्टोर कर देगा। यानी दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर ये मेमोरी को इस int की बदौलत साइज डिक्लेयर करेगा कि आपकी मेमोरी में इस वेरिएबल का साइज क्या होगा। फिर उसके बाद इसको इस मेमोरी को एक नाम दे देगा और नाम देने के बाद यहाँ पर इस वैल्यू 3 को स्टोर कर देगा। तो इस तरह से कंपाइलर इन लाइंस को कंपाइल करता है। लेकिन डियर फ्रेंड्स एक बात याद रखिए, वेरिएबल हमेशा आप एक बार ही डिक्लेयर करेंगे, यानी ये जो डिक्लेरेशन है ये आप सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं। लेकिन उसको जो आप वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, यानी जो आप इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, वो आप बार बार भी कर सकते हैं। आप बार बार वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं एक ही वेरिएबल में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इसके नाम से ही वाजे हो रहा है कि वेरिएबल यानी ऐसी चीज जो कि बार बार मॉडिफाई हो सके, बार बार चेंज हो सके। इसके अलावा आप सी लैंग्वेज में एक ही लाइन में वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एक साथ कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आपने ये वेरिएबल डिक्लेरेशन की और साथ के साथ आपने इसको वैल्यू भी असाइन कर दी, तो ये आप ये कह देंगे कि यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन आपने एक ही लाइन में कर दी है। तो इसको भी कंपाइलर इसी तरीके से कंपाइल करेगा जैसे कि इसने इसको इन वाली लाइन्स को किया था। दोस्तों आइए अब वेरिएबल्स की कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एक प्रोग्राम बनाने के लिए सी लैंग्वेज में हमारे पास 3 चीजें कॉन्स्टेंट होती हैं। हमें सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड करानी होती है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया हैश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद हमें मेन फंक्शन इंक्लूड कराना होता है, तो हमने लिख दिया void main और void। तो अब ना ही ये फंक्शन जो है ये मेन फंक्शन ना ही कुछ रिटर्न कर रहा है और ना ही कोई आर्ग्यूमेंट ले रहा है। उसके बाद हम डेलिमिटर्स दे देंगे
और डेलिमिटर्स के अंदर हमारा एक्चुअल प्रोग्राम लिखा जाता है, जो भी काम हम कंप्यूटर से करवाने चाहते हैं वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो दोस्तों अभी हम सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज करेंगे। तो हमने लिखा int var equals to 3। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है int var के नाम से और फिर उसके अंदर एक वैल्यू असाइन की है जो कि है 3, यानी हमने इसको इनिशियलाइज और डिक्लेयर कर दिया है। अब दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया कि एक वेरिएबल को आप बार बार चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर मौजूद वैल्यूज को बार बार चेंज कर सकते हैं, इसीलिए तो इसका नाम वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू को पहले मैंने 3 असाइन किया था, अब मैंने लिख दिया var equals to 4। और याद रखिए आप वेरिएबल को डिक्लेयर तो एक बार ही करेंगे, लेकिन आप उसको इनिशियलाइज बार बार कर सकते हैं, आप उसको बार बार उसकी वैल्यूज को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे और प्रिंट कराने के लिए हम एक फंक्शन लिखेंगे प्रिंट f, उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमास में परसन डी लगाएंगे। दोस्तों अभी आप ये नहीं सोचिएगा कि परसन डी क्या है, अभी आगे हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बस ये याद रखें कि किसी भी इंटीजर को अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आपको परसन डी यूज करना होता है, और यहाँ पर जो भी चीज आप प्रिंट करवाना चाहते हैं उसका वेरिएबल नेम। तो यहाँ पर हमें वार को प्रिंट करवाना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है वार, और आखिर में आप लगा देंगे सेमीकॉलन, क्योंकि सेमीकॉलन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सी लैंग्वेज के अंदर। सेमीकॉलन के जरिए आप एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से सेपरेट करते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगी गेट सी एच, ये भी एक फंक्शन है। दोस्तों अब जो है देखते हैं कि क्या ये 3 को प्रिंट करवाता है या फिर ये 4 को प्रिंट करवाता है। तो होना तो ये चाहिए कि क्योंकि पहले इसने वार के अंदर 3 स्टोर करवा दिया और फिर हमने 3 को मॉडिफाई कर दिया, वार को मॉडिफाई कर दिया, उसके अंदर चेंजिंग कर दी हमने, उसमें से 3 की वैल्यू को हटा के 4 की वैल्यू लिख दी है। तो देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करता है। आप सबसे पहले अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे। मैंने यहाँ पर लिख दिया है वेरिएबल डॉट सी और ये मैंने इसको सेव कर दिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और सबसे पहले कंपाइल करेंगे। देखिए अभी आपके प्रोग्राम में किसी किस्म का कोई एरर नहीं है। अब मैं इसको रन कर दूंगी, तो रन करने पर आप देख सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट आया है वो आया है 4, यानी जो आखिरी बार आपने वैल्यू असाइन की है इसने उसी वैल्यू को इस वेरिएबल में स्टोर किया है। यानी याद रखिए एक वेरिएबल में एक वक्त में सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है, लेकिन वो वैल्यू स्टोर होगी जो आपने लास्ट मॉडिफाई की है, जो कि आपने सबसे आखिर में मॉडिफाई की है, सिर्फ वही वैल्यू जो है वो स्टोर होगी। तो इस तरह आप एक वेरिएबल के अंदर बार बार वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों आइए इसके बाद एक और प्रोग्राम बनाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि आप वेरिएबल को सिर्फ एक बार डिक्लेयर कर सकते हैं, बार बार आप उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। और डिक्लेरेशन से मुराद ये है कि आप मेमोरी का, आप उस वेरिएबल का साइज भी बता रहे हैं और नेम भी बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है int var equals to 3 और साथ के साथ उसको इनिशियलाइज भी कर दिया है। अब मैं दोबारा इस वेरिएबल को डिक्लेयर करती हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा int var। अभी आपने देखा था कि आप वेरिएबल को बार बार इनिशियलाइज कर सकते हैं क्योंकि हमने var equals to 4 किया था। अब क्या आप अपने वेरिएबल को बार बार डिक्लेयर भी कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। ये मैंने वेरिएबल को दोबारा से इसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, इसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया है कंट्रोल एस से और कंपाइल कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि आपके प्रोग्राम ने, आपके कंपाइलर ने एरर जनरेट किया है। और यहाँ पर एरर की टाइप देखिए, री डिक्लेरेशन ऑफ वार विद नो लिंकेज, यानी आपने जो है अपने वेरिएबल को जो आप पहले डिक्लेयर कर चुके हैं आपने उसको दोबारा डिक्लेयर किया है, री डिक्लेयर किया है। तो आप ऐसा सी लैंग्वेज के अंदर नहीं कर सकते। आप उसको इनिशियलाइज तो बार बार कर सकते हैं जैसे कि हमने पहले किया था, लेकिन आप उसको बार बार डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो डियर फ्रेंड्स ये लाइन देखिए, वेरिएबल डिक्लेयर एट वंस बट द वैल्यूज इन द वेरिएबल कैन मॉडिफाई अगेन एंड अगेन, यानी वेरिएबल को आप सिर्फ एक दफा ही डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर मौजूद वैल्यूज को जो कि आपने उसको असाइन की है आप उनको बार बार मॉडिफाई कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये था वेरिएबल। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एक वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए सी लैंग्वेज आपको कुछ रूल्स फराहम करती है, तो वो रूल्स क्या क्या हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।